हिंद मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं अशोक कुमार और इस साल प्रत्येक साल के बाद जो है हमारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिला निचलौल तहसील ग्राम सभा कोहड़वल में ये माँ दुर्गा का आज भक्तों के द्वारा बंपर तरीके से आज स्वागत किया जा रहा है। इसके संबंध में आज हम ग्राम सभा कुंवरवल के गांव में हो करके ये शंकर भगवान के मंदिर पर जो माँ दुर्गा का पंडाल लगा हुआ है इसमें हम आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो संरक्षक हैं, जो ग्राम सभा के लोग हैं, इनसे हम माँ दुर्गा के संबंध में बात करने चल रहे हैं और यहाँ के लोग बताएंगे कि माँ दुर्गा का जो आशीर्वाद लिया जाता है, जो 9 दिन से पंडाल लगा करके सजाया जाता है, जो सदियों से सांस्कृतिक वातावरण में आ रहा है, तो इसके संबंध में हम इन लोगों से बात करेंगे कि माँ दुर्गा के द्वारा कितने आशीर्वाद के द्वारा हम लोग फुलित होते हैं और खुश होकर के 9 दिन नरवासर रहते हैं। आज 8वीं का दिन है, कल 7वीं का दिन था और कल माँ दुर्गा के चेहरे से पर्दा हटाया गया है, तो इसके संबंध में हम ये ग्राम सभा कोहड़वल के लोगों से बात करने चल रहे हैं। और आज इस पंडाल में हम सबसे पहले ये राजू चौधरी से बात करेंगे कि ये माँ दुर्गा का जो पंडाल लगा हुआ है, ये राजू श्रीवास्तव, सॉरी राजू श्रीवास्तव, ये जो माँ दुर्गा का पंडाल इतने खुशी से लगाए हुए हैं, जो लोगों का हुजूम यहाँ एकदम भड़कम में भीड़ लगी हुई है, तो इसके संबंध में हम बात करेंगे कि माँ दुर्गा के संबंध में दो चार शब्द बताएंगे। आदर, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम राजू लाल सिंह है, मैं श्री श्री दुर्गा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। सर नाम हम आपका जानना चाहेंगे। राजू लाल श्रीवास्तव, मैं इस श्री श्री शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ, जो मैं विगत वर्षों से माँ दुर्गा का स्थापना करता हूं और करवाता भी हूं और आशा करता हूं कि अगर जो हमारी गांव ग्राम सभा ऐसे ही लग्न से हमारा साथ देती रहेगी तो हम ऐसे अनुरोध कार्य को करते रहेंगे। इसलिए हम माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्रदान कराने के लिए और करने के लिए हम आभारी हैं। देखिए ये माँ दुर्गा का कितनी बड़ी आशीर्वाद है। ये राजू श्रीवास्तव जी हैं, ये कह रहे हैं कि ग्राम सभा के लोग, यहाँ के जनता, यहाँ के श्रद्धालु, यहाँ के भक्त, यहाँ के दुर्गा के भक्त अगर थोड़ा बहुत आशीर्वाद हमको देते रहेंगे तो प्रत्येक वर्ष के बाद हम माँ दुर्गा का ये पूजा अर्चना करते रहेंगे और इस तरीके से लोगों का भरकम हम दिखाते रहेंगे, तो माँ दुर्गा का एक ऐसा आशीर्वाद है, तो इसके संबंध में हम और लोगों से बात करने चल रहे हैं। ये माँ दुर्गा के बारे में कुछ बताएं तो इसके सामने, हाँ बताइए बाबू, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से क्या पावन? माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हम बहुत खुश हैं क्योंकि माता दुर्गा हमारी जो भी मनोकामना है पूरी करती हैं, तो मैं माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हूँ और हमेशा इसी तरह से माँ दुर्गा का हम लोग मूर्ति का विसर्जन और स्थापना करते रहेंगे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर सदा बना रहे। मेरा नाम अशोक कुमार यादव है, जो इस श्री शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं सभी ग्रामवासियों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। देखिए बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी सफलता, ये अशोक कुमार यादव जी हैं, ग्राम सभा कोहड़वल के रहने वाले हैं और ये माँ सरस्वती का, ये माँ दुर्गा का, सॉरी माँ दुर्गा का ये पूजा पाठ और इनके सारे कार्यों को लेकर के और इनके आशीर्वाद को देखते हुए
ये माँ दुर्गा का पंडाल बना करके सारे ग्राम सभा के लोगों को एकदम खुशहाल हर्षाने का काम कर रहे हैं। तो ये माँ दुर्गा रानी से मैं आशीर्वाद लेते हुए और लोगों से मैं बात करूंगा। कैमरामैन से हम चाहेंगे कि माँ दुर्गा के विचारों को, इनके आंचल को और इनके तस्वीर को दिखाते हुए माँ दुर्गा का आशीर्वाद लें। कैमरामैन, ये हिंद मोर्चा न्यूज में सभी ग्रामवासी का स्वागत है और माँ दुर्गा से हम यही आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि माँ दुर्गा प्रत्येक वर्ष की भांत, प्रत्येक वर्ष की भांत इस तरीके से हर लोगों की मनोकामना पूरी होती रहे और उसके बावजूद भी लोग यहाँ के प्रफुल्लित रहे। हिंद मोर्चा न्यूज से अशोक कुमार निचलोल, महाराजगंज। हो गया।